हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi Note 13 5G फ़ोन है, तो Redmi Note 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी है, तो कॉलर आईडी स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को कैसे इनेबल कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी है, तो कॉलर आईडी को इनेबल कैसे कर सकते हैं और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो बैक करना है। बैक करते ही फ़ोन आइकन्स पे चले जाना है। जब आप फ़ोन आइकन्स पे जाते हैं, कुछ इस तरीके से फ़ोन आइकन्स ओपन हो जाएगा। थ्री डॉट पे जाकर सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। सिंपली आपके पास कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस है, तो इसको इनेबल कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ से जब आप इसको इनेबल करते हैं, तो आपका जो कॉलर आईडी आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा, जिसका ऑप्शन है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं, जिससे स्पैम कॉल्स वगैरह को कॉलिंग्स में शो कर सकते हैं। और आप जब इसको ऑन करते हैं, तो इसके जरिए सस्पेक्टेड कॉल्स का भी आप पता कर सकते हैं, फ्रॉड कॉल्स को भी आप शो कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से कॉलर आईडी यानी स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं और कॉलिंग्स वगैरह को शो कर सकते हैं अपने कॉलिंग्स में। और आप चाहें तो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके जरिए कॉलिंग्स को अनाउंस कर सकते हैं। ऑल हैंडसेट एंड नेवर पे भी ऑफ भी कर सकते हैं, ऑलवेज करके यूज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉलिंग्स नंबर या नेम वगैरह अनाउंस हो जाता है। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं अपने Redmi Note 13 5G फ़ोन में, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं Redmi Note 13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।